दोस्तों अभी तो यहाँ तो पनीर नहीं मिलने वाला है, तो बोल रहे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तो आगे जाएंगे तभी सिर्फ काजू ले ले रहे हैं। ये देखिए काजू ले लेते, ये डालने में काम आता है इसीलिए, और सब्जी भी लेना है थोड़ा। दोस्तों अभी दोपहर के 11 बज चुका है और हम लोग हैदराबाद का जो बाईपास है, रिंग रोड जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग आ चुके हैं। दोस्तों अभी लग रहा है पीछे का टायर हमारा पंचर हो गया। दोस्तों पनीर तो बहुत मुश्किल से मिला आज, और सारा चीज रेडी हो चुका है, देख सकते हैं प्याज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर स्वागत है। दोस्तों सुबह का 9 बज रहा है और हम लोग हैदराबाद आ चुके हैं। अभी यहाँ से हम लोग रिंग रोड बाईपास जो है वो हम लोग चढ़ने वाले हैं। जानते हैं हमारा जो है नागपुर रोड जो है वो 5 नंबर का है, और यही हमको पता चला हमको कि हमको 5 नंबर रोड से 5 या 6 नंबर ऐसे बताए कि 5-6 नंबर से आपको उतरना पड़ेगा। नागपुर रोड वही है, तो पूरा लंबा घूमना पड़ता है। और सबसे पहली बात तो आज शिवरात्रि है, आप लोग ढेर सारी शिवरात्रि का शुभकामनाएं। हमारे पूरे हिंदुस्तान में शिवरात्रि मतलब शिव जी का जो हम लोग बोलते हैं विवाह, वो चीज़ आज है। तो आज रात में जो है हमारे एरिया में बहुत अच्छी तरह, जैसे हम लोग घर में शादी होता है ना, उसी टाइप का पूरा नियम होता है, हल्दी लगना, तिलक चढ़ना, रात में बारात निकलना, तो बहुत अच्छा जुलूस निकलता है, झांकी निकलता है। उसमें लोग मतलब भूत वगैरह भी बनते हैं, शिव जी भी बनते हैं, पार्वती भी, एक बाराती टाइप का माहौल रहता है उस समय, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, हम निकलते हैं यहाँ से, अभी सफर काटना है, अभी बहुत लंबा सफर है अभी। दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी लेके तो निकल चुके हैं, और अब आज हमारा प्लानिंग हो रहा है कि पनीर बनाते हैं। बहुत टाइम से गाड़ी में से भी खाना नहीं बनाए, और चिकन मटन तो अभी हमारा चलेगा भी नहीं होली तक, तो आज पनीर ही बना लेंगे। जो मार्केट सबसे पहले दिखेगा, जहाँ मिलेगा ले लेंगे, और आगे चल के फिर कहीं बनाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, बस मिल जाना चाहिए, कभी कभी जो ढूंढते हैं वो मिलता ही नहीं है। दोस्तों अभी हम लोग एक जगह रुके, यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट दिख रहा है, तो यहीं पे जाके पूछते हैं पनीर है या नहीं। पनीर मिलेगा भैया? पनीर इधर कहीं मिल सकता है? आगे कितना मतलब यही मार्केट में कि और आगे जाना पड़ेगा? दोस्तों अभी तो यहाँ तो पनीर नहीं मिलने वाला है, तो बोल रहे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तो आगे जाएंगे तभी सिर्फ काजू ले ले रहे हैं। ये देखिए काजू ले लेते, ये डालने में काम आता है इसीलिए, और सब्जी भी लेना है थोड़ा, टमाटर। मार्केट तो दोस्तों ठीक बड़ा था, लेकिन फिर भी नहीं मिला, बस काजू ही मिला। आगे जाके फल भी ले, टमाटर भी ले लेंगे, और कुछ सब्जी और भी लेना है। अभी दोस्तों हम लोग एक और मार्केट में आए, यहाँ पे एक और दुकान दिख रहा है, शायद यहाँ मिल जाए, देख के आते हैं। अभी पनीर मिल जाएगा भैया? ये दो 250 ग्राम, बहुत ढूंढ रहे मिल ही नहीं रहा। और हरा मिर्च दे दीजिए 10 का। यहाँ पे दोस्तों सब कुछ मिल गया, सब्जी भी मिल गया, पनीर भी मिल गया, दूध भी। अब चलिए बहुत अच्छा है, अब कहीं आगे जाके बनाएंगे, लीजिए। दोस्तों अभी दोपहर के 11 बज चुका है और हम लोग हैदराबाद का जो बाईपास है, रिंग रोड जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग आ चुके हैं। देख सकते हैं चौड़ाई रोड का पता चल जाता है अपने। और दूसरी बात कि हम लोग जिस रोड से आए थे चंद्रपुर होकर के, उस बार उस उधर से नहीं जा रहे हैं, हम लोग नागपुर रोड को पकड़े जा रहे हैं। तो जा रहे कारण है कि हमको नागपुर में काम है, मेरा गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो खत्म हो रहा है इसी महीना में, तो इंश्योरेंस जो है हमको कराना पड़ता है, और वो तो खैर कहीं भी हो जाता है, उसी कंपनी का हर जगह रहता है, लेकिन नागपुर में मेरा एक दोस्त है बहुत पुराना, तो वो भी यही सब काम करता है, उसके लेकर के हम उसी से करवाते हैं। पहले भी कागज़ जो है नागपुर गाड़ी हम चलाते थे उसी से होता था, तो काफ़ी दोस्ती हो गया था। तो उनको जब पता चला तो वो बोले कि भाई आप जिस कंपनी का, उसका काम तो हम भी करते हैं। चलिए इन लोगों का कुछ कमीशन वगैरह कुछ रहता है वो अलग बात है, लेकिन हमको बोले कि आ जाओ नागपुर हम कर देंगे, तो इसी के लिए हम नागपुर जा रहे हैं। थोड़ा सा हमको 50 किलोमीटर का फासला पड़ेगा, और इसी रोड से ही हैदराबाद से रोड कटता है, या तो नागपुर रोड पकड़े या चंद्रपुर रोड पकड़े। दोस्तों ये जो बोर्ड देख रहे हैं, जो हम बताए थे कि गेट मिलता है नंबर से उतरने का, हमको लग रहा 18-19 नंबर तक लास्ट गेट है, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा गेट जो है 6 नंबर का, जो उतरने वाला है नागपुर रोड, वो 6 नंबर का है। दोस्तों अभी लग रहा है पीछे का टायर हमारा पंचर हो गया। दोस्तों टायर तो मेरा पंचर हो गया है, और ये इतना लंबा अभी बाईपास है, कम से कम 50-60 किलोमीटर है, ये अभी घूमेंगे नीचे उतरेंगे तभी जाके हमको टायर दुकान मिलेगा, अभी मिलने वाला है नहीं। तो इसमें यही फायदा है कि अगर आगे का रहता तो चेंज कर देते हैं, मेरे पास स्टेपनी तो है ही है, ये पीछे का है, तो अभी क्या ना कि मेरा हल्का माल रहता है तो इसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा टायर बैठा नहीं है,
टायर अंदर टायर में हवा नहीं है, पूरा निकल गया। एक दो तीन चार, चार गोटी में अभी भी मेरा मतलब गाड़ी है, टायर दबा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखते हैं, इधर डबल टायर है, कितना गोटी है। इधर देखिए दोनों टायर तैयार है, मेरा कंप्लीट है। इधर कितना गोटी में बैठा है, एक दो तीन चार, ये भी चार है। मतलब इसमें वजन माल नहीं है तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अभी मौसम भी ठीक है, हवा चल रहा है, तो जा सकते हैं हम लोग टायर दुकान तक। तो टायर दुकान जाके वहीं खुलवाएंगे, वहीं जाके बनाएंगे। अगर यही अगर मेरा रहता ज़्यादा माल तो हमको खोल के स्टेपनी चेंज करना पड़ता, क्योंकि सिंगल टायर पे वजन पड़ेगा तो टायर फट सकता है। अभी ऐसा कोई बात नहीं है, निकलता है टायर दुकान तक। दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी लेके निकल चुके हैं, तो वही हम लोग तो सोचे थे आराम से कहीं खाना वाना बनाएंगे, पर अभी एक प्रॉब्लम हो गया है। चलिए ये तो कोई ज्यादा नहीं है, अभी तो गाड़ी हमारा चलेगा आराम से, जब दुकान मिलेगा तभी करवाएंगे। अभी टाइम भी होने वाला है तो सोच रहे पहले खाना बना ले। अगर यहाँ पे रोड पे साइड में पार्किंग दिया होगा तो वहाँ पे रुक के पहले खाना बना लेंगे, उसके बाद फिर टायर बनवाएंगे। दोस्तों अभी दोपहर के 1 बजने वाले और हम लोग यहाँ हैदराबाद के बाईपास में ही है, तो गाड़ी देखिए अभी हम लोग यहाँ पे खड़ा कर दिए। ये थोड़ा चौड़ा जगह मिला इधर पार्किंग में, और एक गाड़ी सामने भी खड़ा है, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं यहीं पे खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे आराम से। टायर भी हम लोग को बनवाना पड़ेगा। दोस्तों पनीर तो बहुत मुश्किल से मिला आज, और सारा चीज़ रेडी हो चुका है, देख सकते हैं प्याज लहसुन वगैरह मिर्चा जो है सब कट के रेडी है। कढ़ाई मेरा चढ़ चुका है, कढ़ाई गर्म होगा तब हम तेल डालेंगे। हम लोग जा रहे हैं आज पनीर बनाने के लिए। दोस्तों मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसमें तेल भी गर्म हो चुका है, अब जा रहे हैं पनीर को तलने के लिए। पनीर को तल के निकालेंगे, दोस्तों पनीर तो कर हल्का ही भूजा जाता है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए हल्का ही हल्का हल्का सा लालपन हुआ है, बस निकाल दे रहे हैं हल्का आंच में इसको पनीर में। बहुत से लोग तो सादा ही रखते हैं, ऐसे ही गोटा डाल देते हैं ऐसे ही, लेकिन हमारा क्या है कि हम लोग शुरू से तल के ही बनाते हैं। ये तल के निकाल दिया अपना पनीर, अब इसका आइटम जा रहा है पहला जीरा डालने के लिए। ये देखिए जीरा डाल गया, अब इसका लहसुन है। दोस्तों प्लानिंग तो था मेरा कि नागपुर रोड पकड़ेंगे, तो उधर हाईवे रोड में पेड़ वगैरह पार्किंग वगैरह है बना हुआ, एक बार आए थे देखे थे, लेकिन ऐसा हो गया किस्मत कि इसी जगह टायर पंचर हो गया। तो हम इस जगह रोक के इसलिए बना रहे हैं कि जो उतना दूर चल के जो हम लोग रनिंग आए तो खास तो नहीं, फिर भी हल्का फुल्का टायर गर्म हो ही जाता है। तो हम गए जब तक खाना ही बन जाएगा और हमारा टायर भी ठंडा हो जाएगा, यहाँ हवा भी मस्त चल रहा है। ये देखिए दोस्तों मेरा प्याज पूरा अच्छी तरह लाल हो चुका है, और प्याज वो आप जा रहे हैं मसाला डालने इसमें। ये हमारा मसाला पहला आइटम जा रहा हल्दी, अब ये जीरा गोलकी है, मिक्स मसाला है। दोस्तों मसाला डाल दिए हैं, अब अच्छी तरह से मसाला को भूनते हैं पूरा एकदम। तरी इसी का बनेगा, तरी बनने के बाद फिर हम पनीर को डालेंगे इसमें, तो पहले तरी बनाते हैं अच्छी तरह से एकदम। दोस्तों ये देखिए मेरा मसाला में एक आइटम और जा रहा है, एक काजू है पूरा अच्छी तरह से, इसको गिलास में हम लीक किए हैं, घोल दिए हैं। अब ये भी मतलब मसाला में ही आता, देखिए मसाला कलर कैसे चेंज हो जाएगा। तो हम लोग गिलास में और बेलना से ही कूच के इसको मिला लेते हैं। दोस्तों मसाला तो अच्छी तरह भून चुका है मेरा, अब जा रहा है इसमें पानी की जगह दूध डालने के लिए। ये देखिए दूध हमारा जा रहा है इसमें, इसमें पानी का अंश नहीं है, सिर्फ दूध ही डर रहेगा इसमें। पनीर को जो है दूध से ही बनाया जाता है। ये देखिए इसका तरी का कलर भी चेंज हो गया। दोस्तों तरी मेरा तैयार हो चुका है पनीर के लिए, ये देखिए जा रहा है इसमें पनीर डालने के लिए। अब इसको भी अच्छी तरह से खुला लेते हैं, थोड़ा अभी कम भी हो जाएगा तरी इसका। दोस्तों अगर मटर मिलता तो मटर भी डाल देते हैं, तो ये मटर पनीर बन जाता। तो चलिए आज तो शिवरात्रि था, पनीर भी मिल गया हम लोग को, बहुत मुश्किल से मिला लेकिन मिल गया। अब देखिए ये हमारा तैयार होने वाला, अभी और सूखेगा तरी इसका, तरी तो बहुत ही गाढ़ा बन चुका है। ये देखिए अभी और थोड़ा सा गर्म करते हैं इसको, सुखाते हैं। और दोस्तों अभी हम लोग खाना तो बना लिए थे, लेकिन अभी हम लोग खाना नहीं खाया है, सोचे बाद में टायर बनाने के बाद आराम से खाएंगे। तो अभी हम लोग हैदराबाद का बाईपास छोड़ने वाले हैं, ये देखिए अपना 6 नंबर एग्जिट गेट आ चुका है, तो अब यहाँ से घूम जाएंगे और टोल टैक्स आएगा, टोल कटवाने के बाद फिर आराम से हम लोग नागपुर वाला रोड पकड़ लेंगे। ये हमारा आ चुका है दोस्तों नागपुर का रोड, अब नागपुर अभी भी करीब हमको लग रहा 500 किलोमीटर तो होगा, 500 किलोमीटर अभी हम लोग इसी रोड में जाना है। दोस्तों अभी यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे एक होटल भी है और टायर दुकान भी है, तो यहीं पे टायर बनवा लेते हैं अभी। दोस्तों हमारा टायर खुल गया, ये देखिए यही टायर हमारा पंचर हुआ था, पत्थर लग गया था उसी के कारण, अब इसको बनवाते हैं जल्दी। दोस्तों पंचर तो मिल गया, और सादा टायर में गिट्टी मार देता है, ये रेडियल रहता तो गिट्टी नहीं मारता, रेडियल टायर में क्या आपको एंगल हो गया, कांटी हुए, ये सब घुसता है, और सादा टायर में गिट्टी वगैरह भी घुस जाता है। तो हम लोग का अगर हल्का गाड़ी है जिसमें जल्दी नहीं लगता है, बाई चांस कभी लग गया तो अलग बात है, कहीं ज़्यादा गिट्टी मिल गया तो गिट्टी भी निकल गया है, तो जा रहे बनवाते हैं, छोटा ही सा ज़्यादा बड़ा नहीं है।
दोस्तों यही ओमनी है जो लगेगा टायर में मेरा, तो ये तो खैर अपना गाड़ी में ही था, लेके रखे थे, तो जो साइज का है देख सकते, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर, ये सब देख करके जो मिस्त्री जी बताएंगे उसको लगवाते हैं अभी। दोस्तों अभी टायर का पंचर तो बन गया, अब टायर को हम फिक्स कर रहे हैं, तो ये वाला टायर हम सोचे थे पहले बाहर कर देंगे लेकिन हम अंदर ही रखेंगे इसको। दोस्तों टायर का तो मेरा काम हो गया, देख सकते पूरा टायर भी लग गया, अब जग भी उतर रहा है, यही मिस्त्री यहाँ काम हुआ, और सामने में होटल भी था, चाय पानी यहीं पे पी रहे थे हम लोग, क्योंकि अभी तो कोई भी काम करो तो प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। और ये सबसे बड़ा बढ़िया चीज़ आज का टायर दुकान में क्या आ गया, ये मशीन देखिए, ये मशीन हर जगह पे हर टायर में रखता है, इसको खोलने का चार्ज लेता है लेकिन बढ़िया है, खाली जग लगाने का काम है, जग लगा देते हैं, बहुत सा जगह तो जग लगाने में लगा रहता है, लगा देता है, बहुत सा गाड़ी में बुढ़ा बुढ़ा ड्राइवर लोग है तो आकर टायर लगा बोल देता है कि बाबू कोई है तो लगवा दो, कुछ खर्चा दे देंगे, इस टाइप का होता है। तो ठीक है दोस्तों, टायर तो पूरा फिट हो गया, अब टायर लगा बिल दे करके निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों हमारा टायर तो बन गया, थोड़ा सा गाड़ी हम लोग आगे भी लेके आ गए, छांव में साइड में लगा दिए रोड के किनारे, अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, अब भूख भी लग गया अभी। दोस्तों अभी रात के 9 बज रहा है और हम लोग खाना खा के जो चल रहे थे अभी तक चल ही रहे हम लोग, और दूसरी बात क्या है कि हमारा सुबह से अभी तक का सफर कम से कम 360 किलोमीटर सफर कर चुके हैं सुबह से, वही थोड़ा टायर उर में और खाना में टाइम लग गया, नहीं तो और भी सफर कट जाता हमारा, तो चले कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ से बॉर्डर जो महाराष्ट्र का है 110-120 किलोमीटर अभी और है, तो कोशिश हमारा रहेगा कि बॉर्डर पार कर जाए और महाराष्ट्र इन कर जाए, उसके बाद महाराष्ट्र में अपना कहीं रुकेंगे, फिर अपना कल नागपुर पार करना है। दोस्तों ये 4 लाइन में ठोकर वगैरह रहता नहीं है, लेकिन काम जहाँ चालू रहता है ना वहाँ पर ठोकर वगैरह बना देता है, अभी देखिए काम चालू है अभी, नहीं तो 4 लाइन में आपको ठोकर कभी नहीं मिलेगा, तो ये सब लेकर के थोड़ा स्लो जाने के लिए कि आगे हो सकता है रोड खराब है या रोड कहीं मिलता है जा करके, तो उसी में थोड़ा गाड़ी वगैरह थोड़ा ब्रेक लग जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है। दोस्तों अभी हम महाराष्ट्र में हैं और रात के करीब 1 बजे हम लोग बॉर्डर पार किए हैं, बॉर्डर पार करने के बाद ही एक ढाबा है, तो यहाँ पर पार्किंग वगैरह भी है, तो बहुत सा गाड़ी लगा हुआ था, तो हम लोग तो सो गए थे, तो अभी उठे हैं तो फ्रेश व्रेश भी हो चुके हैं, तो अब हमारा सफ़र यहाँ से फिर चालू होता है। दोस्तों यहाँ सोने का कारण था कि हमको नागपुर में रुकना था, तो बोले थे कि जब 12 बजे के बाद उधर काम होगा अपना, तो नागपुर में जाकर रुकेंगे, कल शिवरात्रि लेकर बंद भी था, बता रहे थे वो हमको कि शिवरात्रि लेकर बंद, तो आज अपना काम हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि नागपुर से हम निकल कर रायपुर के सफर में, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।